आज की वीडियो में बात करेंगे क्या प्रमोशन अभी भी पॉसिबल है, जिस तरीके से अप्रैल 2020 वालों को प्रमोशन मिला था एनएस की तरफ से, क्या इस बार भी एनएस प्रमोट करने वाला है। तो इन सभी बातों को जो है आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना जरूरी है, तभी आप इन बातों को समझ पाओगे। सवाल आ जाता है अभी जो है प्रमोशन की बातें मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, जबकि डेट शीट भी आ गई है और डेट शीट भी जो है मैंने आपको दे दिया है, उसके बाद क्यों। तो देखो यहाँ पे बात समझते हैं और आपको जो है ये प्रमोशन वाली वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट है, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं, उसमें देखा आप लोग प्रमोशन की बात कर रहे हो, आप मेरे पास जो मैसेज दे रहे हो उस मैक्सिमम मैसेज में प्रमोशन की बात चल रही है। अब एक एक करके सबका रिप्लाई तो मैं दे नहीं सकता, जिसकी वजह से आप बुरा भी मान जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूं कि आप बुरा ना माने, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मेरी जगह आके सोचिए तो फिर आप भी जो है समझ पाएंगे। तो इन बातों को डिटेल में समझेंगे आज की वीडियो में, जिसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, क्या मुझे कहने की जरूरत है, चैनल सब्सक्राइब कर लिए करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी दोस्तों को, कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं, और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है हमारी, तो जिसके लिए आप उसको ज्वाइन कीजिए। कम जो डिस्क्रिप्शन देखोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक हमारा दूसरा चैनल भी है इंग्लिश का, तो उसको भी जो है जरा सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो वहाँ पे, और कमेंट करो इंग्लिश की स्पेशली कौन सी वीडियो आपको चाहिए। तो आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहें तो इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे पास चल रही है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिएगा, बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेट शीट है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये डेट शीट जो है आपको मैंने बता दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि जनवरी फरवरी में एग्जाम होने के चांस नहीं है, नहीं होंगे एग्जाम। अब बात आ जाती है फिर उसका डेट शीट आया, तो देखो डेट शीट अगर आई है, जानकारी मिली है, तो जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही, मैं आपको बताऊंगा ही कि डेट शीट आ गई है, ये डेट शीट है ये देखो। लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो बताया कि जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, तो उसका भी तो कोई वेस्ट था, उसका भी तो समझे करो, कमेंट करने लग जाते हो आप लोग कुछ भी। मैं अभी पहुंच रहा हूं प्रमोशन वाली बात पे, मुझे पता है कि प्रमोशन के बारे में बोलना है, मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन बात आ जाती है कि अभी सबसे पहले जो मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूं उसको समझो कि क्या मैंने पहले जो आपको जानकारी दी, क्या वो जानकारी गलत नहीं है। वो देखो होता क्या है एक्चुअली डियर, आपको समझना चाहिए वो क्या है। वो एक हमारा रिसर्च होता है, जो रिसर्च है जो मैं करता हूं आप लोगों के लिए, और उसके बाद उन रिसर्च को लेके आता हूं और उसी बेस पे जो है मैं बातें करता हूं। आप जानते हैं सीबीएसई का एग्जाम जो है अब मई तक चला गया है। आप ये न्यूज़ कहाँ आई, आज तक पे, आज तक का जो है न्यूज़ पोर्टल वहाँ पे देखो, जो मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। तो इसी बेस पे क्या होता है, जो सीबीएसई अपने एग्जाम कराएगी, कहाँ करवाया जाता है, स्कूलों में। अब मान लो जब अगर कंडीशन इस तरीके से चल रही है कि कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कर्फ्यू लग रहा है, कई जगह लॉकडाउन होने की तैयारी की जा रही है, तो आपको लगता है क्या ऐसे पॉसिबल है कि एग्जाम जो जनवरी फरवरी में करवा लेगा एनएस, क्या आप मानते हो इस बात को। अगर बात करें एग्जाम की तो नॉर्मल सी बात है, एनएस कोई स्टेट बोर्ड नहीं, ये सेंट्रल बोर्ड है, तो इसका जो एग्जाम होता है वो पूरे सेंट्रल लेवल यानी पूरे इंडिया लेवल पे होता है। तो इस कंडीशन में बात आ जाती है, यही वाली बात जो पिछली मेरी वीडियो में थी, तो उस बात को लेके बच्चों ने समझ लिया कि भैया अब जो है एग्जाम तो होगा नहीं, इस बार ही प्रमोशन मिलेगा। आप लोग बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह पे। लेकिन फिर बात आ जाती है एग्जाम फीस लगा जो है वो स्टार्ट हो गया, उसका लिंक एक्टिव हो गया, और उसके बाद डेट शीट भी आ गई। तो अब बात आ जाती है कि अब क्या प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के तो कंडीशन नहीं है। तो अब आ जाते हैं प्रमोशन पे, अब ये सारी कंडीशन को देखते हुए अब समझ लेते हैं प्रमोशन का क्या कंडीशन बनता है। तो ध्यान दो, बातों को समझते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये आप सोच रहे हैं कि जनवरी फरवरी का जो एग्ज़ाम है, जिस तरीके से अप्रैल में क्या हुआ था, एग्ज़ाम फीस सबमिट हो गई थी, टीएमए सबमिट हो गया था, उसके बाद जो है एग्ज़ाम नहीं करवा पाया एनएस, तो उसके बाद बच्चों को प्रमोट किया, ठीक है, यही कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस जो पहले वाला कंडीशन था और आज की कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पे क्या बातें निकल के आती है। तो सबसे पहली बात ये, आपको पता है कि मैं मेंबरशिप के काम से एनएस हेड ऑफिस जाता आता रहता हूँ, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, वहाँ के एक बड़े अधिकारी से मैंने उनसे बात किया कि सर मुझे बताइए प्रमोशन को लेके अब आगे क्या हो सकता है। तो 100% उन्होंने जवाब दिया था कि प्रमोशन अब दोबारा नहीं होगा। आप सही सुन रहे हो, प्रमोशन अब दोबारा नहीं होगा।
कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहते हैं किसी तरीके से, आपसे वो मीठी मीठी बातें करके, और उसके बाद जो है आपको आप उसको फिर सब्सक्राइब करो, उनके व्यूज़ बढ़ाओ। देखो पॉइंट समझो, यहाँ पे मेरा काम कोई व्यूज़ से मतलब नहीं है मेरे को। एक्चुअली ये आप इसको यूट्यूब ना समझ के इसे आप एक ट्यूशन सेंटर ही समझे तो बेहतर रहेगा। और एज अ टीचर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपनी बातें बताता हूँ, समझ रहे हो, तभी आप लोग इस पे हो। नंबर वन, प्रमोशन वाली जो चांस थी, यानी प्रमोशन वो नहीं होगा। एनएस अधिकारी से मैं वहाँ पे मिला, उनसे बात हुई, और जो प्रमोशन वाली बात पूरी तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि दोबारा प्रमोशन का कंडीशन नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि जो है एग्जाम का जो कंडीशन आ रहा है, एग्जाम तो हो ही नहीं सकता, इसकी कंडीशन इतनी खराब चल रही है, तो अब क्या करेगा एनओएस इस कंडीशन में? क्या जनवरी फरवरी में एग्जाम करवाना पॉसिबल है, क्योंकि डेट शीट भी आ गई है? तो देखो अगर हम जरा पीछे जाए तो ओडीई कंसेंट आपको याद आ रहा है, ओडीई कंसेंट जो हुआ था, तो उसके एग्जाम करवाए थे ना एनओएस ने, क्या उन्होंने बाकियों को जो अप्रैल 2020 वाले जो कुछ स्टूडेंट रह गए थे जो प्रमोट नहीं हो पाए थे, वो ओडी कंसेंट के अंदर आके उन्होंने अपना एग्जाम दिया और उनका एग्जाम हुआ? ये वाली बात तो आपके सामने है ना, मानते हो ना इस बात को? तो देखो उनको प्रमोशन मिला नहीं मिला ना, तो अब बात आ जाती है कि क्या फिर से प्रमोशन की कंडीशन कहीं भी किसी भी एंगल से बैठ रहा है? तो सवाल आ जाता है बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोरोना का मामला और ज़्यादा बढ़ गया, अगर कर्फ्यू लग गया और लॉकडाउन बढ़ गया तो उसके बाद जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांस बनते हैं। बात समझ रहे हो, होने के चांस बनते हैं। जब अगर मान लो सिचुएशन ही ख़राब हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है कहाँ पे क्या एग्ज़ाम करवाया जाएगा, आप समझ पा रहे हैं? बहुत हमारे फेस्टिवल हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर मनाही कर दी गई। आपको याद है जो छठ होता है उसके ऊपर कितनी मनाही कर दी गई? आपको पता है ना जो यमुना किनारे जाते हैं, अगर आप बिहार यूपी से नहीं हैं तो आपको बता दूँ, छठ जो है जिसमें बाकायदा जो पूजा किया जाता है नदी के किनारे जाके, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस भीड़ को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए भीड़ लगाने से भी मना कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सख्ती होने वाली है, और हो चुकी है और होती जा रही है। तो इस कंडीशन में फिर से सवाल आ जाता है कि क्या एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा या प्रमोट होगा? तो देखो सब सौ बात की एक बात, पहली बात तो आपको ये दिमाग में बिठा के रखना है कि डेट शीट आया है, तो डेट शीट आया है तो इसमें ऑन डिमांड वाले बच्चे जो हैं वो नहीं एग्ज़ाम देंगे, बात समझ रहे हो? इसमें केवल अक्टूबर 2020 वाले बच्चे ही देंगे, जिन्हों जो कि जो इसके लिए एलिजिबल है, बाकी जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर नहीं आने वाले। तो ऑलरेडी आप समझ गए कि गिनती तो वैसे ही बहुत कम हो गई। तो अब कंडीशन आ जाती है क्या बाकी जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? प्रमोशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पोस्टपोन होगी? इसके चांस कम है। एग्ज़ाम होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल एग्ज़ाम होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनवरी फरवरी को लेके मैं कंफ्यूज हूँ, अभी भी हूँ, क्योंकि जो है मैं अपना रिसर्च करता हूँ कहाँ कराएंगे एग्जाम, या हो सकता है ये अपना पैटर्न ऐसे तैयार कर ले। आगे चले तो आगे बात ये निकल के आती है, जहाँ कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल में है तो वहाँ पे एग्जाम करवा दे, और बाकी जहाँ पे कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है तो वहाँ पे जो है एग्जाम को रोक दे, या वहाँ आपके लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। तो यहाँ पे निकल के आ रही है, अगर बात करेंगे कि 100% एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा, तो हो सकता है ये कुछ डिवाइड होके हो, पोर्शन होके हो कि भैया यहाँ सिचुएशन ख़राब है तो इस एरिए को रोक दो, बाकी जहाँ जहाँ सही है वहाँ वहाँ एग्ज़ाम करवा दो। तो अभी की जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मेरा अनुमान है, वो यही निकल के आया है। प्लीज़ प्रमोशन के चक्कर में बिल्कुल भी ना जाए, फिर से बोलना चाहता हूँ, प्रमोशन चक्कर में ना जाए। मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो जो कमेंट करते हो तो प्लीज़ जरा कमेंट करते वक्त में जरा अपने माइंड का भी यूज़ करो, बस मेरी मेहनत को याद रखो कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। और ये मत सोच लेना कि आपके वीडियो देखने से जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा बरस जाता है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है ना? तो बोलना पड़ रहा है, नहीं चाहता था बोलना लेकिन बोलना पढ़ रहा है, चलो कोई नहीं, आप भी समझदार हैं। चलिए तो बात करते हैं आगे, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास चल रही है, ज्वाइन कर लो, बिल्कुल ट्यूशन की तरीके से रहेगा, सारी चीज़ें आपको जो है पता चलेगी, नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और प्लीज़ टाइम पास के लिए फ़ोन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये पेड सर्विस है। आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज़ आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करें, और टाइम पास के लिए फ़ोन तो बिल्कुल भी ना करें, ना मैसेज करें। अब आगे बात करते हैं कि आप एक काम कर सकते हो कि आप डेमो क्लास के लिए
आप देख सकते हो कि डेमो क्लास में ट्राई कर सकते हो कि पढ़ाई कैसे होती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक मिनिमम अमाउंट रखते हैं 50 रुपीज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 50 रुपये जो है 50 रुपीज रख देते हैं, जिसमें जो है 2 दिन मैं आपको ट्रायल दूंगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना है आगे, ताकि आप भी समझ लेके कि जो है डेमो क्लास आपकी किस तरीके से होती है और आप जो है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद अपनी फीस पे करना, फीस भी हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कि कितनी कैसी क्या फीस होनी चाहिए। क्लास के मैटर करता है कि क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, समझ रहे हो? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।